अनुभव, लखनऊ में कैसी तैयारियां हैं, छात्र वहां पहुंच रहे हैं और क्योंकि व्यवस्था इस बार सरकार की तरफ से भी दुरुस्त की गई है, तो वहां कैसा माहौल दिख रहा है? देखिए, ये पूरी परीक्षा कराना एक बड़ा चैलेंज है। बड़ा चैलेंज क्यों है? क्योंकि पूरे प्रदेश में 21,65,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो 75 जिलों में आज इस टेट की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। 28 नवंबर 2021 को ये परीक्षा होनी थी और जब लोग सेंटर पर पहुंच गए थे तब पता चलता है कि पेपर आउट हो चुका है, बाद में उसको कैंसिल किया जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये एक बड़ा चैलेंज है कि इस पूरी परीक्षा को सफलतापूर्वक कराया जाए। हम लखनऊ में जिस सेंटर पर मौजूद हैं, हालांकि अभी काफ़ी कम अभ्यर्थी यहां पहुंचे हैं क्योंकि 10 बजे से जो पहली पारी है वो शुरू होगी और 2.5 घंटे तक पहली पारी चलेगी, तो 12:30 बजे तक, तो और ये भी कहा गया है कि 1/2 घंटे पूर्व सबको पहुंचना है, तो कुछ अभ्यर्थी ज़रूर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, स्कूल के बाहर ये रोल नंबर, जिसका एडमिट कार्ड में जो भी नंबर होगा उसी हिसाब से एंट्री दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब परीक्षा कैंसिल हो गई थी तभी मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि तब जाने वालों के लिए, और आज जो परीक्षा हो रही उसमें जो भी लोग आ रहे हैं, अगर हम कहें दूसरे जिलों से आ रहे हैं, तो उन्हें बस में यात्रा फ्री है, यानी वो अपना एडमिट कार्ड दिखाएं और बस में यात्रा करके आए। कुछ लोग हैं, आपका भी आज एग्जाम है, तैयारी पूरी इस बार? पिछली बार तो पेपर नहीं हो पाया था, जब पेपर की तैयारी करी और पेपर रद्द हो जाए तो दुख होता है। हाँ, वो तो होता है, काफ़ी सी तैयारी हो गई थी, उसके बाद कैंसिल हुआ फिर, लेकिन थोड़ा और टाइम मिल गया हम लोग को पढ़ने के लिए कि 1-2 महीने का गैप मिल गया और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से कोरोना है, काफ़ी तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है, उससे थोड़ा सा डर लग रहा है? डर तो लग रहा है, और पेपर भी ज़रूरी है, बाकी अपनी सेफ्टी की तरह से सब लोग आए हैं देने। बाहर से आए किसी बाहर? कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। अगर आपसे जाने, आप भी आज एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचे कि लखनऊ से हैं या बाहर से हैं? हम बाहर से हैं, रायबरेली। तो आप बस में, आप कैसे आए? फ्री यात्रा करके आए, एडमिट कार्ड दिखा के? फ्री यात्रा को बस वाले, बस में गए हमने, बस को बस वाले ने कहा कि अब मौसम की वजह से बस निकलेगी, इन्हें वो लोग नाटक कर रहे हैं, वहाँ कंप्लेन भी कराए तो उन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं लिया। हम लोग बस का वेट करते रहे और वो कह रहे हैं 8:30 बजे के बाद निकले, 8:30 बजे के बाद रायबरेली। आप फिर अपने साधन से आए, इस बार तैयारी पूरी है? तैयारी तो की है, देखो क्या होता है। बिल्कुल, तो मौके पर अपनी कुछ समस्याएं छात्रों की हैं, अनुभव। बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल ये छात्रों के अपने अपने एक्सपीरियंस है जो बता रहे हैं। रतीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।